नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी प्रमुख सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच बिहार चुनाव से पहले उद्घाटन और शिलान्यास का दौर जारी है। एक के बाद एक करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है। इसी को देखते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 541 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री बिहार में नमामि गंगे और मिशन अमृत योजना अंतर्गत शहरी विकास से जुड़ी 541 करोड़ रुपए की जल आपूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोटालों पर तंज कसा। पीएम मोदी बोले कि सड़कें हों, गलियां हों, पीने का पानी हो, ऐसी अनेक मूल स्वभावों को या तो टाल दिया गया या फिर भी इनसे जुड़े काम हुए वो घोटालों की भेंट चढ़ गए। पीएम ने कहा कि जब शासन में स्वार्थ नीति हावी हो जाती है, वोट बैंक का तंत्र सिस्टम को दबाने लगता है, तो सबसे ज़्यादा असर समाज के उस वर्ग को पड़ता है जो प्रताड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं। बिहार के लोगों ने इस दर्द को दशकों तक सहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते एक साल में जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश में 2 करोड़ से ज़्यादा पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। आज देश में हर दिन 1 लाख से ज़्यादा घरों को पाइप से पानी के नए कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। स्वच्छ पानी न सिर्फ जीवन बेहतर बनाता है बल्कि अनेक गंभीर बीमारियों से भी बचाता है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्र निर्माण के इस काम में बहुत बड़ा योगदान बिहार का भी है। बिहार तो देश के विकास को नई ऊंचाइयों देने वाले लाखों इंजीनियर देता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज भी कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के शहरों में पीने के पानी और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं में निरंतर सुधार हो रहा है। मिशन अमृत और बिहार सरकार की योजनाओं के तहत बीते 4-5 सालों में बिहार के शहरी क्षेत्र में लाखों परिवारों को पानी की सुविधा से जोड़ा गया। पीएम ने कहा कि बिहार में इतनी तेजी से काम हुआ, काम शुरू होने के बाद पूरा भी होगा, इस बात की कल्पना भी 1.5 दशक पहले नहीं की जा सकती थी, लेकिन नीतीश जी के प्रयासों ने, केंद्र सरकार के प्रयासों ने ये सच कर दिखाया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की चुनौती के बीच बिहार में विकास और सुशासन का अभियान इसी तरह चलने वाला है। हम पूरी ताकत, पूरी सामर्थ्य से इसी तरह आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके साथ हर बिहारवासी और देशवासी को संक्रमण से बचाव का संकल्प कभी नहीं भूलना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में पीएम मोदी बिहार के लोगों को कई बार संबोधित कर चुके हैं। करीब 10 दिन के अंतराल में बिहार को केंद्र की ओर से करीब 16,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मिल रही है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।